हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज अपने यूट्यूब चैनल इन लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको पिछला वीडियो जो छांद रेखा का था अच्छा लगा होगा। चलिए आज हम देखते हैं देशांतर रेखा। तो सबसे पहला प्रश्न जानते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा को खींचने की जरूरत क्यों पड़ी, ये कब खींचा गया, कहाँ से खींचा गया, इनकी संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखा की जरूरत क्या है? देशांतर रेखा समय समय को जानने के लिए बहुत जरूरी है। देशांतर रेखा के बिना हम समय को नहीं जान सकते। वर्तमान समय में हम घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो देशांतर रेखा की बदौलत ही इसे जानते हैं। देशांतर रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है समय को जानने के लिए। तो देशांतर रेखा कब खींची गई? तो 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1984 को वाशिंगटन डीसी की एक बैठक में यह निर्धारित किया गया कि लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान में रॉयल वेधशाला से एक रेखा खींची जाएगी जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा के नाम से जानेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से, 0 डिग्री देशांतर रेखा रॉयल वेधशाला से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम प्रधान मध्यान रेखा भी है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान मध्यान रेखा के नाम से जानते हैं। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में और पश्चिम में और देशांतर रेखा खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में 180 अंश देशांतर रेखा और पश्चिम में 180 अंश देशांतर रेखा खींची गई है। इस प्रकार देशांतर रेखा की संख्या टोटल 360 है। देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। और प्रश्न ये होता है कि इनकी संख्या 360 क्यों है, 300 क्यों नहीं? तो हम जानते हैं कोई भी वृत्त होगा वह 360 डिग्री का होता है, चाहे वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो उसका कोण या डिग्री होता है वह 360 डिग्री होता है। इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान मध्यान रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक इसके पीछे ये 0 डिग्री है, आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5, 180 जब आएगा तो ये 0 डिग्री ठीक पीछे होगा। 180 अंश देशांतर रेखा इसके ठीक पीछे होगी जिसे हम जानेंगे। 180 अंश देशांतर रेखा ठीक इसके पीछे होगा, इसे हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डेड लाइन। अब हमने जान लिया है देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्यान रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए, पृथ्वी अपना एक परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा करती है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष में 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है और पृथ्वी पे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इस प्रकार 24 आवर बराबर 360 डिग्री, अर्थात पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूमती है। अगर इसे हम और कम कर दें तो पृथ्वी, अगर इसे निकालेंगे हम कि पृथ्वी एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो हम 360 में 24 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24 एक 24, कैरी हुआ 6, काटने में आपका आ जाएगा 15 डिग्री, 1 आवर बराबर 15 डिग्री, अर्थात पृथ्वी एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है। इसे अगर हम और छोटा करेंगे तो 1 आवर को हम 60 मिनट कर देंगे, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, अगर इसे हम छोटा करेंगे तो इसे काट देंगे आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, अर्थात पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है।
जिस प्रकार दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है उसी प्रकार देशांतर में भी दो देशांतर के बीच की दूरी होती है। जैसे एक देशांतर रेखा ये है, एक देशांतर रेखा ये है, तो इनके जो बीच की दूरी होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है और इन दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को हम गोर के नाम से जानते हैं। दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को हम गोर के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखा एक लंबी रेखा है जिसपे बीचों बीच कई देश पड़ते होंगे, तो इसमें कुल 9 देश, 8 देश और एक महाद्वीप पड़ता है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका महाद्वीप। अर्थात ये प्रश्न बनता है कि देशांतर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा कितने देश से होकर गुजरती है, तो देशांतर रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है। इसमें आपको प्रश्न बना देगा तीन इन जो श्रेणी में देश हैं इनके नाम दे दिया जाएगा और एक अलग होगा उसमें से आपको अलग करना होता है। तो इसमें आप इसको लिख लीजिए यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका। तो इन 8 देशों से 0 डिग्री देशांतर रेखा होके गुजरती है। देशांतर रेखा जो समय को बांटती है, तो इस प्रकार पूरे विश्व को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। विश्व को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक टाइम जोन में 15 डिग्री होता है, एक टाइम जोन में 15 डिग्री होता है। अगर 15 को हम 24 से गुणा कर देंगे तो 360 आ जाएगा। 15 × 24 × 360 डिग्री अर्थात एक जोन को 15 डिग्री में बांटा गया है तो कुल मिलाकर 24 जोन हुए, टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। सबसे ज्यादा जोन किस देश में स्थित है अर्थात सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है, तो सबसे ज्यादा टाइम जोन रूस में है। सबसे ज्यादा टाइम जोन रूस में है, सोवियत संघ रूस में। याद रखिएगा प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में स्थित है, तो सबसे ज्यादा टाइम जोन रूस में है, उसके बाद चाइना में है। भारत में केवल एक टाइम जोन है। इसे मैं जब आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा पहले ही लेसन में बताऊंगा कि भारत में एक टाइम जोन है वह कितने डिग्री है। तो आपका देशांतर रेखा यहाँ पे खत्म हुआ। देशांतर रेखा से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते थे उसे मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ जिसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगले दिन मैं उसका आंसर दूंगा। जिन्होंने सही आंसर दिया उसका नाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि पूर्वी गोलार्ध, हमने आपको बताया था कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखा की संख्या कितनी है और दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, एक प्रश्न। और यह कब निर्धारित हुआ कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा रॉयल वेधशाला के पास से गुजरेगा, यह कब और कहां पे हुआ। जी तो आपका ये लेसन खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।